नौकरी दिलाने और विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ एसपी सिटी सोनम कुमार ने ऑपरेशन ईगल का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन ईगल के तहत नौकरी दिलाने व विदेश भेजने के नाम पर युवाओं और अन्य लोगों से ठगी करने वालों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाएगा, जिसके तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने ठगी के शिकार हुए पीड़ित बेरोजगार युवाओं के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 65 ठगी के शिकार हुए पीड़ित नागरिकों ने एसपी सिटी के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें से 17 प्रार्थना पत्र नौकरी देने के नाम पर तथा 23 प्रार्थना पत्र विदेश भेजने के नाम पर प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 40 प्रार्थना पत्र में से 35 प्रार्थना पत्रों में जांच कर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 5 प्रार्थना पत्रों में मुकदमा पंजीकृत कर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, फर्जी पासपोर्ट व वीजा बनवाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, धोखाधड़ी होती है, उसको नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं लोग, हमें नौकरी लगा देंगे, कई बार अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देते हैं। इस तरह के मामले बहुत सारे कप्तान साहब के पास आते रहते हैं, गेम कार्ड के पास आते रहते हैं। तो उन सबको हम लोग ये जान रहे हैं कि आप लोग जहाँ पर पहले से घटना हुई होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पहले से घटना हुई होगी, कुछ लोग पहली बार आए होंगे, ऐसे कौन है जो पहली बार पुलिस के पास आए हैं? यहाँ पर सर पहली बार है, तो पहले आप लोग का मुकदमा चल रहा है, एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, ठीक ठीक, तो उसको देखने के लिए जो है ये अलग से बनाया गया है ऑपरेशन ईगल। और इसमें दो तरह के मामले हैं, एक तो विदेश भेजने के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है, मैं देख रहा था कि इस साल जो है 85 लोग पंजीकृत हुए हैं, उसमें ज्यादातर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हुआ। ऐसे कितने लोग हैं जो विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी की गई? दुबई जाने के चक्कर में पैसे दिए थे 1,90,000, एक महीना हुआ, एक महीना पहले पैसा दे चुके हैं हम लोग, तो वो आदमी जो है हम लोग को जो पैसे मांगने को धमकी उमकी दे रहा फोन को, एप्लीकेशन डाले थे गोला थाने को, अभी गगा थाने को, तो एसओ साहब से बात हुई थी तो बोल रहे थे कि ये मिलता नहीं है, घर पर जाने के बाद ये मिलता नहीं है, थोड़ा रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। नहीं, ऑनलाइन भी दिए थे, बाकी हमारे में का एक आदमी जो है कैश दिया, तो आपका मुकदमा पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ? नहीं, वो लोग बोली गए कह रहे थे ऊंचे न्यायालय से आदेश लेके आओ, तब तो उसके बाद दर्ज करेंगे। नहीं नहीं, तो कुछ नहीं, अभी कोई एप्लीकेशन है आपके पास? हाँ सर, ले आए। चलो आप तीन लोग हैं क्या? चार लोगों के साथ हुआ है? हाँ, पता चला कंपनी का और पासपोर्ट जमा कर रखा, 16 फरवरी 2020 का मैटर है सर, तो एक साथ दिया है।
तो साहब 70,000 रुपया लिहल साहब हमसे होने पर बात भाई पीछे साहब होकर SBI का रसीद पीछे साहब लगल बा 3 रसीद लगल बा और ATM से 20,000 रुपया। 28/11/2021 को ऑपरेशन ईगल का प्रारंभ किया गया। एक काफ़ी सारे मामले गोरखपुर जनपद में और आसपास के परिक्षेत्र में जोन में भी मिलते रहते हैं जिसमें नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी की जाती है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं और कई बार विदेश भेजने के नाम पे धोखाधड़ी की जाती है। तो ऐसे मामलों को हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसका डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आज 30 लोग हमारे सामने अभी तक आ चुके हैं सुबह से 1 घंटे में, और भी लोगों के आने की अभी संभावना है। इसके अतिरिक्त इस पिछले वर्ष में 85 ऐसे मामले हैं जिनमें मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। तो जो भी पहले से मुकदमे चल रहे हैं, एक मुकदमा तो 2009 का भी पता चला है वो भी चल रहा है, तो ऐसे सारे मुकदमों का बिल्कुल यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। और जो नए मुकदमे आ रहे हैं और जिसमें काफ़ी सारे लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी हुई खास करके, ऐसे मुकदमों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि इनके पैसे वापस मिल जाएं, इनको जो न्याय जिसकी उम्मीद में ये लोग लगे रहते हैं उसको इनको बिल्कुल त्वरित न्याय मिल जाए, इसकी पूरी प्रयत्न किया जाएगा। इसके सर ज़्यादातर किस तरह के लोगों के साथ छाट किएगा? देखिए अभी तक पिछले 1 घंटे में 30 मामले हमारे सामने आए हैं, उसमें 22 मामले विदेशों में नौकरी भेजने के लिए हैं और 9 मामले अभी तक भारत के अंदर ही नौकरी दिलाने की बात है। और तो ज़्यादातर मामले विदेशों में नौकरी भेजने वाले ही मिल रहे हैं हम लोगों को, वो अलग अलग देश हैं जैसे ओमान, अजरबैजान, दुबई, अलग अलग सिंगापुर का भी एक मामला था, तो अलग अलग कंट्रीज़ में भेजने का झांसा दिया जाता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट से वापस करना पड़ जाता है इनको, कि एयर टिकट ही सही नहीं होती है, कई बार लोग वहाँ जा करके फंस जाते हैं, इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। हाँ, इन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें ये लोग बाकी लोगों को भी जोड़ेंगे। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई और वो किसी और को जानता है तो स्वयं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेगा और अगली बार जब चौपाल लगाई जाएगी या फिर किसी भी समय वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में, SSP कार्यालय में या SPCT कार्यालय में कभी भी आ सकते हैं, अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। इसके अलग से एक ऑपरेशन ईगल की टीम भी बनाई गई है, इसमें ASP साहब भी हैं, उसमें CO कैंट भी हैं, नगर नॉर्थ और साउथ क्षेत्र के CO भी हैं, अंडर ट्रेनिंग DFSP जो आई हैं ये भी हैं। तो सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम सब लोग मिल करके पूरी कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए जो भी मामले हमारे सामने आते हैं ऑपरेशन ईगल में।